गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट वंस अगेन वीकली करेंट अफेयर। हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। आज 16 अगस्त है, तो 9 अगस्त से 16 अगस्त आपका एक वीक बीता है और ये सेकेंड वीक है आपके अगस्त का। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर डिस्कस किया था लास्ट संडे, और इस संडे हम लोग सेकेंड वीक का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए एंड कॉल योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो भी यहाँ पे डेली आते हैं, ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ओके, गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग रीनू, सबको बुला लीजिए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो प्रतीक, रेनू, बाकी लोगों को भी बुला लीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम लोग आज की कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर रिवीजन की तरफ। तो आज में सबसे बड़ी न्यूज है, जो कि आप सबको पता ही होगा, गुड मॉर्निंग सौरभ, कि 2 लोगों ने रिटायरमेंट लिया कल क्रिकेट से, जिसमें से एक ऐसा रिटायरमेंट था जिससे लोग बहुत ही ज्यादा सैड हैं और बहुत ही ज्यादा हर्ट हैं। एंड ये रिटायरमेंट है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कल अपना रिटायरमेंट का डिसीजन अनाउंस किया थ्रू इंस्टाग्राम वीडियो, और इन्हीं के साथ साथ सुरेश रैना ने भी कल अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। तो 2 लोग रिटायर हो रहे हैं भारतीय क्रिकेट से, एक आपके MS धोनी है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, और जो दूसरे प्लेयर हैं वो है सुरेश रैना, ठीक है। याद रखिएगा, ये 2 लोग जो है ये क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, पेस, लिएंडर पेस जो कि टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है। इंडियाज टेनिस एस लिएंडर पेस लॉन्च हिज वेबसाइट www.leanderpace.in ऑन सैटरडे, कल इन्होंने लॉन्च की है। इट विल बी एन इंटरेक्टिव वेब प्लेटफॉर्म वेयर वन कैन नो एवरीथिंग अबाउट द 47 ईयर ओल्ड, मतलब कि लिएंडर पेस के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्पोर्ट पर्सन हैज लॉन्च्ड हिज वेबसाइट, तो आंसर आएगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कौन से खेल से संबंधित है, तो लिएंडर पेस टेनिस खेल से संबंधित है। अगला आता है आपका कि कल आपके पता ही है रेड फोर्ट से नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया, और ये ऐसे इंडिपेंडेंस डे था जहां पे क्राउड बहुत कम रखा गया क्योंकि COVID-19 चल रहा है, जाहिर सी बात है। कई सारी चीजें अनाउंस की पीएम ने, जिसमें से की अनाउंसमेंट क्या थी, दैट एवरी इंडियन विल बी गिवन अ हेल्थ ID कार्ड विच विल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट डिजीज वन सफर्स फ्रॉम, Which doctor has been consulted and what medicines have been prescribed? मतलब कि सबके पास एक ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें लिखे रहेंगे बातें, जैसे कि इस आदमी को कौन सी बीमारी है, इसने किस डॉक्टर को कंसल्ट किया है, और इसे कौन कौन सी दवाएं प्रिस्क्राइब है। सबके पास ये हेल्थ ID कार्ड रहेगा जिसपे ये सारी बातें लिखी रहेंगी, क्योंकि COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य की कितनी महत्वता है इसको लोगों ने रियलाइज किया है। और क्या उन्होंने कहा, मोर देन 5 करोड़ सैनिटरी पैड वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ₹1 to 6,000 जन औषधि केंद्र, 1 रुपए में सैनिटरी पैड को कई सारे जन औषधि केंद्र में भेजा गया है, ठीक है। और ये याद रखिएगा 5 करोड़ से भी ज्यादा। और क्या बोला गया, ऑप्टिकल फाइबर अगर आपको याद हो रिसेंटली जो हुआ है चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर जिसके थ्रू नेटवर्क रन करता है और आपका केबल कम्युनिकेशन वाली चीजें भी रन करती हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो प्रोग्राम है वो भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगले 1,000 दिनों तक 6 लाख और गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और क्या उन्होंने अनाउंस किया कि ₹25,000 करोड़, ठीक है, क्या किया गया है, सेट किया गया है किस लिए,
कंप्लीटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टक इन मतलब कि जो भी आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो रुका हुआ है, स्टेक मतलब रुका हुआ है, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ का भी अनाउंसमेंट इन्होंने किया। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए जिसमें से ये कुछ मेन अनाउंसमेंट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल किए गए, जो आपको जरूर से याद होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग एक और, ये भी आपकी रिसेंट न्यूज है आप, लेकिन पहले इसे बताओ कि टू रिड्यूस इंटेंसिस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को कम करने के लिए हु हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मैकेनिज्म नोन एज पॉजिटिव पे। फ्रॉड को कम करने के लिए किसने एक नया मैकेनिज्म पॉजिटिव पे लॉन्च किया है, बताइए। गुड मॉर्निंग बानी, नीलेश, आरबीआई यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे नाम का एक नया तंत्र पेश किया है। पॉजिटिव पे जो चेक को लेके फ्रॉड होता है, जैसे चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी चेक साइन करके दे दे रहा है, अब पता तब चलता है जब उसे कैश काउंटर पे जाते हैं इन कैश कराने, या अपने बैंक जाते हैं इन कैश कराने। इन कैश कराने को आप लोग बोलते हो चेक को भुनाना। तो जब चेक भुनाने जाते हैं तब पता चलता है कि चेक तो बाउंस कर गया, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो गलत है, या फिर इनके में पैसे ही नहीं है इनके अकाउंट में। तो ये सारी चीजें ना हो, ठीक है, चेक के से जो फ्रॉड किए जाते हैं वो ना हो, इसके लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे नाम का एक मैकेनिज्म लॉन्च किया है 50,000 से ऊपर के चेक के लिए। जैसे कि अगर मुझे आपको 51,000 रुपए देने हैं और अगर मैंने चेक के माध्यम से आपको दे रही हूं मैं पैसे, तो मुझे फिर पॉजिटिव पे के अंतर्गत काम करना पड़ेगा ताकि मैं कोई फ्रॉड आपके साथ ना कर सकूं। इसमें होगा क्या, वन नीड टू शेयर द डिटेल ऑफ द चेक इशूड विद द बैंक बिफोर हैंडलिंग इट ओवर टू द बेनिफिशियरी। ये नहीं कि जिसको आपको पैसे देने उसे ये चेक पकड़ा के आप निकल लो, बल्कि बेनिफिशियरी को चेक देने से पहले आपको सारी डिटेल्स जो है चेक में इश्यू की गई है वो बैंक के साथ शेयर करना पड़ेगा कि हाँ हम इतना इतना इश्यू कर रहे हैं, इतना पैसा इसको देना है, ताकि आप कोई फ्रॉड ना कर सको। अब इसमें कौन कौन सी डिटेल, चेक नंबर क्या है, चेक की डेट क्या है, पे का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अमाउंट कितना है, ये सारी डिटेल्स जो है, और चेक की फ्रंट की और बैक की पिक्चर भी उसे अपने बैंक के साथ शेयर करनी पड़ेगी जहां से इन कैश कराने वो दूसरा वाला आदमी जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और एक यहाँ पे और नई न्यूज है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद आईहब टू इनकरेज एंड सपोर्ट द स्टार्टअप कंपनीज इन रेजिंग कैपिटल। किस संगठन ने पूंजी जुड़ाने में स्टार्टअप कंपनी की मदद करने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए आईहब के साथ समझौता किया है, बताइए। संदीप का कहना है नीति आयोग, ओके। खुशी का कहना है एनजीटी, नेहा का कहना है नीति आयोग, ओके। आंसर यहाँ पे होगा बीएसई, ठीक है, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, शेयर मार्केट कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसने आईहब के साथ कोलैबोरेट किया है। स्टार्टअप जो होते हैं, नए नए जो उद्योग शुरू हो रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बनना है, इसके लिए इन दोनों ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो आंसर आपका पहला होगा बीएसई। बीएसई जो है सबसे पुराना इंडिया का, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद आईहब। आईहब क्या है पता है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक संस्था है आईहब। इन ऑर्डर टू आईहब, आई का मतलब है इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन स्टार्टअप जब गुजरात सरकार लॉन्च कर रही थी तभी उसने आईहब का निर्माण किया था। तो इन ऑर्डर टू इनकरेज एंड सपोर्ट द स्टार्टअप कंपनीज इन रेजिंग कैपिटल, कि जो भी नई नई कंपनीज आ रही है उन्हें उनकी पूंजी बढ़ाने के लिए ये दोनों मदद करेंगे। बीएसई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है,
प्रेमचंद रॉय चंद ने इसकी स्थापना की थी 1875 में, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं और अब आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है, अब तो आपको आंसर देना ही चाहिए। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसका आंसर अगर आप नहीं भी दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका आज का करंट अफेयर था। लेकिन अब जितने भी होंगे ये आपका लास्ट वीक का करंट अफेयर है जो आपने पढ़ा है। सो आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि अब आप सबका आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस राष्ट्र के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता अनाउंस की है? आंसर सबका आ चुका है, एंटीगुआ एंड बरबुडा। एग्जैक्टली, एंटीगुआ और बरबुडा जो कि कैरेबियन सी का एक आइलैंड है, ठीक है, एक एंटीगुआ और एक बरबुडा दो आइलैंड है, इसके लिए इंडिया ने $1 मिलियन अनाउंस किया है ताकि COVID-19 पैंडेमिक से वो टैकल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे एंटीगुआ और बरबुडा की। तो एंटीगुआ और बरबुडा की कैपिटल है सेंट जॉन्स। ईस्ट कैरेबियन डॉलर, क्योंकि कैरेबियन सी में है तो इसका ईस्ट कैरेबियन डॉलर जो है वो करेंसी है यहाँ की। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ के गैस्टन ब्राउनी है। मोनार्क यहाँ की एलिजाबेथ सेकेंड है जो ब्रिटेन की महारानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई कैरेबियन कहाँ पर है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इसके बीच में ये यहाँ पे जमैका हो गया, ये क्यूबा हो गया, ये सारे देश कहाँ पर है, कैरेबियन में है, इस हिस्से को कैरेबियन कहा जाता है। वहीं पे यहाँ पे दो आइलैंड है बरबुडा और एंटीगुआ जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अरुणोदय स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 17 लाख फैमिली, 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च की है? वानी आप लेट आई हैं, हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे असम सबका आंसर है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और असम जो है उसने 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए अरुणोदय योजना जो है लॉन्च की है। होगा क्या, 17 लाख परिवारों को हर महीने ₹830 दिए जाएंगे उनका राशन वगैरह खरीदने के लिए। तो याद रखिएगा अरुणोदय, आ से अरुणोदय, आ से असम, असम ने लॉन्च किया है। असम की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, सर्बदानंद सोनोवाल यहाँ के क्या है, सीएम है, और जगदीश मुखी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष चुना गया, और सोमा मंडल जो है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी है। जैसे नजमा हिफतुल्ला को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चांसलर चुना गया और वो पहली महिला चांसलर थी उस यूनिवर्सिटी की, ठीक उसी तरीके से सोमा मंडल जो है ये पहली चेयरपर्सन है सेल की, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ये है सोमा मंडल जिन्होंने अनिल कुमार चौधरी को रिप्लेस किया है। ये रिटायर हो रहा है दिसंबर में और इनके रिटायर होते ही सोमा मंडल इनका पदभार संभालने लगेंगी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। विच स्मार्टफोन कंपनी हैज स्टेटेड दैट इट्स इंडियन आर्म विल डिस्ट्रीब्यूट हैंडसेट टू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, किस स्मार्टफोन कंपनी ने कहा कि उसकी भारतीय शाखा भारत में ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए मोबाइल फोन वितरित करेगी? अच्छा, एक और राज्य है जो अपने यहाँ के छात्रों को मोबाइल फोन विकसित करने की घोषणा भी हाल ही में किया है, उस राज्य का नाम पता है आपको? देखो यहाँ पे तो आंसर आपका शाओमी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड शाओमी, मतलब कि एमआई जिसे आप कहते हो। एमआई इंडिया ने ये अनाउंस किया कि वो 2500 बच्चों को 2500 बच्चों को हैंडसेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ पंजाब सरकार ने भी रिसेंटली सेम अनाउंसमेंट की, एग्जैक्टली पंजाब सरकार ने भी रिसेंटली सेम अनाउंसमेंट की है कि वो अपने आगे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मोबाइल फोन वितरित करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप मनु जैन की पिक्चर देख रहे हैं, मनु जैन जो है शाओमी का इंडिया वाला जो ऑफिस है उसके डायरेक्टर है।
ठीक है, तो 250 हैंड ढाई 2500 2500 हैंडसेट ही वितरित करेंगे, 2 करोड़ की इसमें लागत आएगी। अब देखो एमआई जो है कंपनी, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग, क्योंकि चाइनीज कंपनी है, ली जुन इसके फाउंडर है, शाओमी इंडिया के डायरेक्टर कौन है, मनु जैन, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020, नवंबर 2020 में भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताओ। एग्जैक्टली, गोवा में आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन, इस बार इसका कौन सा एडिशन है, मतलब चौथी बार आपका IFFI होने वाला है, इसका कौन सा एडिशन है, 47, 48, 50, कौन सा एडिशन है इसका? क्वेश्चन सुना आप लोगों ने मेरा, इस बार इसका एडिशन कौन सा ये बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, 51। इस बार इसका 51वां एडिशन है, लास्ट टाइम 2019 में 50वां एडिशन हुआ था, यहाँ देखो लिखा है ना 2019 में 50वां एडिशन हुआ था, इस बार 51वां होगा। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं प्रमोद सावंत की, प्रमोद सावंत कौन है, सीएम है गोवा के, सत्यपाल मलिक जो है वो यहाँ के क्या है, गवर्नर है, ठीक है, पणजी जो है वो यहाँ की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। गोवा कब आजाद हुआ था, 1961 में आजाद हुआ था, किसका अधिकार था यहाँ पे, पुर्तगीज का, पुर्तगालियों का यहाँ पे अधिकार था। और IFFI अवार्ड कब से दिया जाता है, ये 1952 से दिया जाता है। हर्मल चिलीज, मोयरा बनानास एंड खाजे स्वीट और विच स्टेट गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग मिला है तीन चीजों को, किस राज्य के, बताइए। एग्जैक्टली, फिर से यहाँ पे गोवा एक बार लाइम लाइट में है, क्योंकि गोवा के हरमल मिर्चा, मोयरा केला और वहां के खाजे को भौगोलिक संकेत का टैग मिल गया है, मतलब अब ये ऑफिशियली वहां के हो गए हैं, कोई इनके नाम पे चीजें बेच नहीं सकता, ठीक है, कोई ये नहीं कि मोयरा केले बेच रहा है या फिर हरमल चिलीज बेच रहा है, ठीक है, कॉपीराइट किसके पास है, गोवा गवर्नमेंट के पास है। तो गोवा की ये तीन चीजों को जियोग्राफिकल मतलब इंडिकेशन रजिस्ट्री में रजिस्टर हो गया है, हरमल गांव से हरमल मिर्चा, मोयरा गांव से मोयरा बनाना और खाजे जो वहां की एक फेमस मिठाई है उसको भी ये टैग मिला है, ठीक है। तो याद रखिए गोवा के रिलेटेड एक और न्यूज है, एक तो ये कि गोवा में 51वां एडिशन हो रहा है IFFI का, एक अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ के चिली बनाना और खाजी को GI टैग मिला है। एक और न्यूज है कि गोवा ने NSDC के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि यह अपने राज्य में वर्ल्ड क्लास का नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित कर सके, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विल इन्वेस्ट US$25 million टू 6 countries नेम इंक्लूडिंग इंडिया विद एन एम टू एम्पावर इंटेलेक्चुअली डिसेबल चिल्ड्रन, जो बौद्धिक रूप से मतलब इनेबल बच्चे हैं, अनेबल जो है, अक्षम बच्चे हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए, भारत सहित 6 देशों में कौन सा देश $25 million का निवेश करेगा? आंसर यहाँ पे कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अगर आप पूरे हफ्ते क्लास करते हैं तो आज आपको आंसर सही देना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, अगर आप पूरे वीक क्लास करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ जो गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो क्लास मेरी डेली करते हैं, मन से पढ़ाई करो, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल यहाँ दिखना जरूरी नहीं है, मन से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप 25 मिलियन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये छोटा मोटा नहीं है भाई, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए था, 6 देशों में कर रहा है जिसमें भारत भी शामिल है, और ये कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात, तो ऑप्शन नंबर थर्ड UAE विल बी द करेक्ट आंसर। UAE के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि UAE पहली गल्फ कंट्री है जिसने इसराइल के साथ क्या किया है, शांति डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया है, ठीक है, ये तीसरा मतलब अरब देश है और पहला गल्फ कंट्री है जिसने ऐसा किया है, और इसी UAE ने $25 million का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। क्राउन प्रिंस जो है अबू धाबी, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है,
जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, इन्होंने ये अनाउंस किया। छह कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा। इन देशों में बच्चों को जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं उनको इम्पावर करने के लिए ये इन्वेस्ट करेंगे। 4 साल का प्रोजेक्ट इंडिया में चलेगा, जिसमें 120 यूसीज ओपन की जाएंगे 12 राज्यों में, याद रखिएगा। यूएई की हम बात कर रहे हैं तो एशिया का ही देश है, देखो यहां से एशिया ही आता है, ये पूरा आपका एशिया ही है इधर, ठीक है। तो देखो ये है आपका यूएई ग्रीन कलर में, ये सीमा केवल 2 देशों से टच करता है, एक तो सऊदी अरब से और एक आपका यहाँ पे ओमान देश से। बाकी इसके पास मतलब कतर भी है, उसके ऊपर बहराइन देश भी है, राइट साइड में इसके पास ईरान देश है, ये आप याद कर सकते हो। कैपिटल अबू धाबी, दीरम यहाँ की मुद्रा है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिजर टू सपोर्ट लॉन्च ऑफ देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने फिजर के साथ कोलैबोरेट किया अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? बताइए। हाँ बिल्कुल, ट्रंप ने मध्यस्थता की, इजराइल और यूएई के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुआ है उसमें मीडिएटर का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। एग्जैक्टली, इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाम है फेडरल, लेकिन अब इससे जाके अपना अपना खुद का इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है 2020 में, और इसके लिए इन्होंने फिजर के साथ कोलैबोरेट किया। फिजर ने कार्ड कैसे इश्यू होगा, कार्ड की प्रोसेसिंग साइकिल कैसी होगी, इन सब में टेक्नोलॉजी के मामले में मदद की है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर, अच्छा फिजर जो है ये यूएसए की कंपनी है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर एलुवा केरला में है, एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज फॉर्मड अ पैनल टू सजेस्ट नेम्स फॉर द प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड, हु विल बी हेड ऑफ द पैनल? महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए नाम सुझाने के लिए जो पैनल बनाया है उसका प्रमुख कौन होगा? बताइए। टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? गवर्नर है। कहाँ के गवर्नर है? महाराष्ट्र के गवर्नर है, ठीक है। केवी कामत कौन है? तो आरबीआई ने एक कमिटी बनाई है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके सलाह देगा आरबीआई को, और जो बढ़ता हुआ एनपीए है उसे कैसे कम करें, इन सब मामलों में सलाह देगा, जिसका हेड चुना गया है केवी कामत को, ठीक है। मेन जो इसका कमिटी का उद्देश्य है वो फाइनेंशियली कैसे हम एम्पावर हों उसके लिए है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और यही हमारा आंसर है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपको पता होगा महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और वहां पे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और डिप्टी सीएम वहां के कौन है? अजीत पवार। तो खैर आंसर यहाँ पे आदित्य ठाकरे होगा। आदित्य ठाकरे को पद्मश्री पैनल के लिए चुना गया है, जिसका विरोध भी हो रहा है। ये बताएंगे कि किसको किसको पद्मश्री देना चाहिए, उसके लिए नाम ये रिकमेंड करेंगे, इनका जो पैनल है वो रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली अनवेल्ड अ माइक्रोवेव डिवाइस दैट कैन डिस इंटीग्रेट कोरोना वायरस, वॉट इज इट कॉल्ड? एमएसएमई मंत्री मतलब कि नितिन गडकरी ने एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया, आपको बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, 4 आंसर यहाँ पे आ रहा है। अतुल्य, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतुल्य नाम का एक ऐसा माइक्रोवेव टाइप का डिवाइस है, बॉक्स है, जो डिसइंफेक्ट करेगा चीजों को, ठीक है, 30 सेकेंड में किसी भी प्रेमाइसिस। मतलब क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि जैसे होता है कि हमारा प्रांगण बोलते हैं ना, किसी भी प्रेमाइसिस में इसको रखोगे आप, 30 सेकेंड में ये उसे डिसइंफेक्ट करेगा। इसका नाम अतुल्य रखा गया है। सेम ऐसी एक और माइक्रोवेव बॉक्स बनाया गया था जिसका नाम था सुरक्षा, अगर आपको याद हो। सुरक्षा
सुरक्षा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन सुरक्षा में क्या था कि इस माइक्रोवेव टाइप के बॉक्स के अंदर कोई चीज आप जब रखोगे तो उस चीज को वो डिसइंफेक्ट करता था अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। तो सुरक्षा भी एक था, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये आप कहीं पे रखोगे तो ये बाहरी वातावरण को शुद्ध करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, और सुरक्षा क्या था कि उसके अंदर आप जो चीज रखोगे उसे ये डिसइंफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इसके बीच में। और कुछ चीजें पिछले कुछ दिनों में जो डेवलप हुई हैं वो हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम था शुद्ध। ये एक स्मार्टफोन टाइप का डिवाइस था जिसे अगर आप ये किसी तरीके से अतुल्य की तरह अगर आप किसी प्रिमाइसेस में रख देते हो तो वो आसपास के सराउंडिंग को कोविड फ्री बनाता है। याद है शुद्ध का फुल फॉर्म क्या था? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिस इन्फेक्शन हेल्पर। ये शुद्ध का फुल फॉर्म था। इसे किसने बनाया था? आईआईटी कानपुर ने बनाया था। और नेक्स्ट आपका था आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी एम ने मतलब कि आईआईटी मद्रास ने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जिसका नाम था ऑक्सी टू। ऑक्सी टू एक बैंड की तरीके से था कि आप घर पे भी अपना हार्ट रेट नाप सकते हो, अपना टेम्परेचर नाप सकते हो, ये सारी चीजें आप घर से भी नाप सकते हो। पेशेंट की मॉनिटरिंग करने वाला डिवाइस है जिसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था और इसका नाम है ऑक्सी टू। और एक चीज, आईआईएम कोझिकोड़े के साथ एक स्टार्टअप ने मिलके एक वैली बैंड नाम का एक बैंड बनाया था। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में। वैली बैंड का क्या काम था कि अगर कोई आपके ज्यादा नजदीक आता है तो ये बीप करके आपको अलर्ट कर देता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए वैली बैंड को डेवलप किया था आईआईएम कोझिकोड़े ने। इसने आईआईएम कोझिकोड़े ने, जो कि केरला में है। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट इनोवेशन है जिसे आपको याद रखना है। अभी आगे और भी हम लोग पढ़ने वाले, ये अभी अंत नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे इनोवेशन हुए जो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बढ़ा जाए आगे। इसी में आगे आईआईटी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया है किसने? दिल्ली ने। क्यों कोलैबोरेट किया? ताकि दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मोक टावर बनाया जाए। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, या फिर नहीं क्वेश्चन नहीं पूछें क्योंकि आगे वो क्वेश्चन आपके सामने आ ही जाएगा, तो अभी से आप आंसर मत करो, अगला क्वेश्चन का आंसर करो जरा। छठवीं बार बेलारूस देश का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता बताइए? हु वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ बेलारूस फॉर सिक्स टर्म? नेपाल, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे होगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो बाकी लोगों को भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और हम देख रहे हैं आप लोग बता भी रहे हो कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों के बारे में, बहुत अच्छी बात है। देखो, हिचेम मचीची कहाँ के हैं? ट्यूनिशिया के नए पीएम है। ट्यूनिशिया के जो नए पीएम है वो कौन है? हिचेम मचीची। हेमेट बेकायोको जो है आइवरी कोस्ट देश है, आइवरी कोस्ट वहां के नए पीएम है। चार्ल संतोखी प्रेसिडेंट चुने गए हैं नए, कहाँ के? सूरीनाम देश के, सूरीनाम देश के। वॉल्टर मार्टस जो है ये भी प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये कहाँ के चुने गए? ये पीएम चुने गए हैं पेरू देश के। ठीक है, एलेक्जेंडर राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के चुने गए हैं? बेलारूस के। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। लेफ्ट में आप जिनके पिक्चर देख रहे हो ये है एलेक्जेंडर, ये जीते हैं छठवीं बार। 1994 से कंटिन्यूअसली ये प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं, इस बार 80% वोट के बाद के साथ ही छठवीं बार भी वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो एलेक्जेंडर जहां के बने हैं राष्ट्रपति, वो देश कहाँ पर है? यूरोप का एक देश है। बेलारूस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रूस से सटा हुआ है। ये कौन सा देश है? रसिया। रसिया आपका आता है एशिया में, थोड़ा सा हिस्सा इसका यूरोप में जाता है, इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं। रशिया से जुड़ा हुआ ये जो देश आप देख रहे हो ये है बेलारूस।
ठीक है, ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है, ये पोलैंड है और ये आपका लिथियाना है, और इसके बीच में जो देश आप देख रहे हो ये क्या है, बेलारूस है। कैपिटल यहाँ की मिन्स्क है, रोमन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देखो, ये है मिस्टर रोमन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट कौन है तो अलेक्जेंडर यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। एज पर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स व्हाट इज रैंक ऑफ मुकेश अंबानी, ये तो सबको रटा होगा, मुकेश अंबानी चौथे नंबर पे है। प्रेस्टीजियस नहीं है इस बार तो, इनके इलेक्शन में काफी प्रोटेस्ट हो गया, इस बार तो काफी विरोध हो रहा है बेलारूस में, बहुत ही बड़े लेवल पे आंदोलन हो रहे हैं इस बार तो, इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो गलत हुई है। ओके, आंसर यहाँ पे आ रहा है फोर्थ मतलब फिफ्थ ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये बर्नार्ड अर्नोल्ड को सरपास कर चुके हैं और अब ये चौथे नंबर पे आ गए हैं सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। तो अभी देखो नंबर वन पे कौन है, जेफ बेजोस, ठीक है, एमेजॉन के फाउंडर। नंबर टू पे कौन है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। नंबर थ्री पे कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ, को फाउंडर एंड सीईओ। और नंबर फोर पे आ गए हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन। तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिए। अब नंबर पांच पे कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंट्रल फॉर्म कमेटी फॉर प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन हेडेड बाय डैश। केंद्र ने कोविड 19 वैक्सीन की खरीद और प्रशासन के लिए एक समिति का गठन किया है, इसके प्रमुख कौन होंगे, एग्जैक्टली डॉक्टर वीके पॉल विल बी द करेक्ट आंसर, डॉक्टर वीके पॉल इसके हेड चुने गए हैं। वीके पॉल नीति आयोग के हेल्थ एडवाइजर हैं, नीति आयोग संस्था से ये जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार ने डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह इस नाम से कमेटी बनाई है। पैनल कोविड 19 वैक्सीन की पहचान करेगा कि कौन सा वैक्सीन वायरस से लड़ने में प्रभावी है। आपको पता है इस समय इंडिया में तीन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कोई अपने सेकेंड ट्रायल फेज में है तो कोई थर्ड ट्रायल फेज में है। इनफैक्ट जो रशिया ने कोविड 19 वैक्सीन को रजिस्टर कराया है, स्प्यूटनिक जिसका नाम है, स्प्यूटनिक जो उनके एक सेटेलाइट के नाम पे स्प्यूटनिक 5 के नाम पे रखा गया, इसका भी अभी तीसरा जो ट्रायल है, अभी तीसरा ट्रायल बचा है, अभी पूरे ट्रायल इससे कंप्लीट नहीं हुए हैं, थर्ड फेज ऑफ ट्रायल अभी इसका भी बचा है, ठीक है। खैर, तो इंडिया में वैक्सीन की खरीद कैसे होगी, उसे एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, इन सब के लिए कमिटी जो बनाई गई उसका हेड चुना गया डॉक्टर वीके पॉल को। नीति आयोग की हम बात करेंगे क्योंकि नीति आयोग से जुड़े हैं डॉक्टर वीके पॉल। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो आपको पता है नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा हमेशा भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग इसे कहा जाता था, फिर इसे 2014 में नीति आयोग बना दिया गया। अब नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इस समय वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सीईओ चेंज होते रहेंगे और सीईओ इस समय कौन है, मिस्टर अमिताभ कांत यहाँ के सीईओ है, याद रखेगा। अगला देखते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस, इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम डैश। स्काई रूट एरोस्पेस, जिसके बारे में कल जब मैंने पूछा था आप लोग बता नहीं पाए थे, भारत का पहला स्टार्टअप स्पेस कंपनी है प्राइवेट, इसने एक रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया, उसका नाम आपको बताना है क्या है, एग्जैक्टली सीवी रमन जी के नाम पे इस रॉकेट का नाम रखा गया है रमन, तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बहुत सारी चीजें यहां से याद रखनी है, एक तो ये कि स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी है स्पेस के मामले में, इन्होंने एक रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया और ये पहली स्टार्टअप कंपनी बनी जिसने किसी रॉकेट इंजन को टेस्ट फायर किया, मतलब कि इसरो के अलावा किसी ने टेस्ट फायर किया, ये पहली कंपनी बन गई है। रमन नाम इसका रखा गया सीवी रमन जी के नाम पे, ठीक है, याद रखिएगा। रमन जो रॉकेट है ये किसी सैटेलाइट को ले जाके पृथ्वी से पृथ्वी की कक्षाओं में या अदर जो प्लेनेट है उसकी कक्षाओं में फिक्स कर सकता है, उसका वजन अगर 250 से 700 के बीच में हो तब, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है। स्काईरूट एरोस्पेस जो नया नया लॉन्च हुआ है, इसके को फाउंडर और सीईओ कौन है, पवन कुमार चंदाना।
फाउंडर और सीओओ कौन है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोलते हैं सीईओ, दोनों में अंतर है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को बोलते हैं सीएफओ, ठीक है, इन सब में अंतर है। तो यहाँ के सीईओ कौन है? तो सीईओ है नागा भरत डागा, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखते हैं, री ओन पोएट राहत इंदौरी पास अवे ऑन अगस्त 11 2020, ही वॉज अ पोएट इन विच लैंग्वेज? प्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ, ये कौन से भाषा के कवि थे बताइए? एग्जैक्टली प्रशांत, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एवरी एग्जाम इट टारगेट एवरी एग्जाम। एग्जैक्टली बुलाती है मगर जाने का नहीं, बहुत फेमस हुई थी लाइन जो इनके द्वारा दी गई थी, और हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है, ये भी लाइन इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध कवि थे राहत इंदौरी जी, ये उर्दू भाषा के कवि थे, खासकर मुशायरा के लिए ये फेमस थे। इनका निधन हो गया, ठीक है, और ये 70 साल के थे जब इनका निधन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया? मोबाइल की तरह का एक डिवाइस जिससे आप सारे ट्रांजेक्शन सब कुछ कर सकते हो, जैसे पहले आईपॉड आते थे वैसे। एग्जैक्टली पेटीएम ने लॉन्च किया है, वेरी गुड, पेटीएम ने लॉन्च किया है पहला, भारत का पहला। देखो किस तरह की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। फेडरल बैंक ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और या फिर कोई बैंक किसी नए तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे तो वो इंपॉर्टेंट। अब भारत का पहला पीओएस डिवाइस है तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है इस तरह का कोई डिवाइस, एक फोन की तरह का डिवाइस है जिसके जरिए आप सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, और आप इसके जरिए अपनी बिलिंग वगैरह भी रिसीव कर सकते हो, कॉन्टेक्टलेस ऑर्डरिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो भारत में। तो ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ने लॉन्च किया है, पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश, प्रेसिडेंट है अमित नय्यर। मेरा क्वेश्चन आपसे, पेटीएम मनी का नया चेयरमैन कौन है? पेटीएम का नहीं, पेटीएम मनी का नया चेयरमैन कौन है बताओ? कई बार मैंने बताया है, मैं पेटीएम का नहीं पूछ रही हूँ, पेटीएम मनी का पूछ रही हूँ, क्योंकि पेटीएम मनी का नए अपॉइंट हुए हैं। हो गया, किसी को नहीं याद है? केवल सृष्टि ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड सृष्टि। वरुण श्रीधर, बहुत अच्छे बेटा, वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए, वरुण श्रीधर इनका नाम है, अब तो याद कर लूं, कई बार मैंने बताया है ऑप्शन में जानबूझ के मैं इनका नाम डालती हूँ जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ताकि आपको रिवाइज करा सको, लेकिन आप लोग पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वरुण श्रीधर नए पेटीएम मनी के हेड चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हु वन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019? आपको पता है भारत में एक है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, वो हर साल अवार्ड देता है। 2019 का जो अवार्ड का एडिशन है वो किसने जीता है ये आपको बताना है। सौरभ कह रहे हैं नितिन सेठी और संदीप कह रहे हैं शिव सहाय सिंह, आंसर दोनों है, नितिन सेठी को भी मिला है, शिव सहाय सिंह को भी मिला है, तो ऑप्शन आपका 5 जो है वो आंसर होगा। तो नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है, यहाँ पे इन दोनों को भी अवार्ड मिला है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को, लेकिन कहाँ पे? यूएसए में। ये ओरिजिनल इंडिया के हैं लेकिन रहते यूएसए में है, यूएसए की सरकार के द्वारा इन्हें ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, नितिन शेट्टी एंड शिव सहाय सिंह। तो देखिए, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो है ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दो लोगों को अवार्ड दिया, नितिन सेठी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए, ठीक है, और सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म करने के लिए शिव सहाय सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों को अवार्ड दिया गया, ये शिव सहाय सिंह है, ये नितिन सेठी है, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है।
जो आपका एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। शशि कुमार इसके चेयरमैन है। तो शिव सहाय और नितिन सेठी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ACJ का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना है। हु इज ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, हमारा इकलौता घर, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अब आप सोचोगे कि एक और किताब लॉन्च हुई इसी हफ्ते, वेंकैया नायडू जी के 3 साल उनके ऑफिस में, मैंने वो क्यों नहीं रिवाइज कराया? एक और बुक तो लॉन्च हुई है, 3 ईयर्स ऑफ वेंकैया नायडू इन हिज ऑफिस, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि ये पहली बुक नहीं है उनकी, उनके लाइफ पे और उनके कार्यकाल पे किताबें कई छपती आई हैं और नाम ही ऐसा है कि पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ पे है, ठीक है। तो ऐसी किताबें नहीं पूछता है, इस तरह की किताबें पूछता है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। देखो, विजय कुमार चौधरी जी की किताब आई है सियासत में सदस्यता, सियासत में सदस्यता। अब ये है कौन भाई साहब जिन्होंने किताब लिखी सियासत में सदस्यता? नाम से तो लग रहा है कि कोई, ये क्या है, ये कोई पॉलिटिशियन है। बिल्कुल सही है, बिहार असेंबली स्पीकर है, ये बिहार असेंबली स्पीकर है, इनका नाम है विजय कुमार चौधरी और इनकी किताब को बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया बकायदा। इनकी किताब का नाम सियासत में सदस्यता। अवनी दोषी की किताब बर्न शुगर, बर्न शुगर जली हुई चीनी, बर्न शुगर हिंदी में, बर्न शुगर को अवनी दोषी ने लिखा है, जो मैन बुकर प्राइज की जो 13 किताबें लिस्टेड हुई है उसमें इनकी किताब भी एक है। सितंबर में फाइनल लिस्ट आएगी 6 किताबों की, उसमें इनकी किताब शामिल होगी या नहीं ये बाद में देखा जाएगा, सितंबर में पता चलेगा तब इनको अवार्ड मिलेगा। निरुपमा यादव ने किताब लिखी है विशेष कोड टू विन, किसकी लाइफ पे लिखी है? ये बायोग्राफी है विशेष भृगवंशी की। विशेष भृगवंशी बास्केटबॉल प्लेयर है इंडिया के, उनकी लाइफ पे इन्होंने किताब लिखी है। निरुपमा यादव ने, ये भी पहले स्पोर्ट वीमेन थी बाद में ऑथर बन गई, विशेष कोड टू विन। दलाई लामा हमारा आंसर होगा क्योंकि दलाई लामा ने किताब लिखी है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दलाई लामा जो तिब्बत के एक संत हैं जिनको चाइना के प्रेशर की वजह से वहां से भाग के आके इंडिया के हिमाचल प्रदेश की कैपिटल धर्मशाला में रहना पड़ा और इन्होंने किताब लिखी है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके अपनी चिंता जताई है और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि पृथ्वी हमारा इकलौता घर है, इसको बचाएं, क्लाइमेट को ध्यान दें, ठीक है। इनके साथ फ्रांस एल्ट ने मिलकर भी इसे लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रांस एल्ट और दलाई लामा इन दोनों ने मिलकर एक किताब को लिखा है। Which city becomes first city in the India to have female icon on traffic signal? See, first in India. It means it is important for your examination. तो कौन सा शहर पहला शहर है जहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे महिलाओं का आइकन लगाया गया? Exactly. आंसर यहाँ पे आएगा मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई विल बी द करेक्ट आंसर। महिलाओं का आइकन मतलब ये देखो, ये ट्रैफिक सिग्नल है, इस पे हमेशा अभी तक लड़कों का ही आइकन लगाया जाता था, पहली बार ये स्कर्ट से पता चल रहा है कि महिला है, तो ये महिला का आइकन पहली बार यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। मैं इसे पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। मुंबई में कहाँ पे? दादर में। मुंबई इज दादर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नेज विच वॉज इंस्टॉल्ड बाई ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट डिस्प्ले फीमेल आइकन स्पोर्टिंग ट्रायंगुलर फ्रॉक अ शिफ्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन अभी तक मैन का होता था, उससे इसे शिफ्ट किया गया और महिलाओं में बदला गया और ये पहला सिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मारिशियाना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मारिशियाना जो देश है उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं, बताओ? ओके, अच्छा कौन मुझे बता सकते हैं कि मारिशियाना कौन से कॉन्टिनेंट में? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए,
आपको बताना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में, मॉरिशियाना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप है कहां पे ये? मॉरिशियाना कहां पर है? एक ऑप्शन बताइए फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर। मॉरिशियाना देश कौन से कॉन्टिनेंट में है? वेरी गुड विधान, अफ्रीका में है, बहुत अच्छे। एशिया में नहीं है नीलेश, मॉरिशियाना देश एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चलो समझना, हीचे मचीची, बार बार रट लो, इनका नाम कितनी बार आ रहा है भाई, अब तो आपको रट जाना चाहिए। हीचे मचीची ट्यूनिशिया, ठीक है। मेहदी मोहम्मद गुलेर सोमालिया में चुने गए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। हेमंत बोकियो को अभी आज भी हमने रिवाइज किया, आइवरी कोस्ट के नए पीएम है, प्रेसिडेंट है। मोहम्मद औल्द बिलाल करेक्ट आंसर है, मॉरिशियाना के नए प्रधानमंत्री। और औल्द चेक एल गजनी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के? मॉरिशियाना के, ठीक है। तो आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। तो मॉरिशियाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद औल्द शेख अल गजनी ने मोहम्मद औल्द बिलाल को 16वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में घोषित किया है। अब जरा देखो मॉरिशियाना कहाँ पर है, तो जितने भी लोगों ने एशिया, यूरोप या कुछ भी आंसर किया, सबका गलत है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मॉरिशियाना देश ये रहा, रेड कलर में हम कलर कर रहे हैं। ये कौन सा देश है तो याद रखना, इस देश का नाम है मॉरिशियाना, जिसके नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं औल्द बिलाल। ऊपर की तरफ ये टच करता है वेस्टर्न सहारा को, वेस्टर्न सहारा को। नीचे की तरफ ये जो देश है ये सेनेगल देश है, ये सेनेगल को टच करता है। यहाँ पे ये माली गणराज्य को टच कर रहा है, और इधर की तरफ ये किसे टच कर रहा है? अल्जीरिया देश को टच कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इस देश की, तो मॉरिशियाना की कैपिटल है नॉक्सॉट, और यहाँ की करेंसी है ऑगुइया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव द पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग 50% सीट्स फॉर वुमेन इन द विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूट्स, बताइए। पचास प्रतिशत सीट रिजर्व रहेगी महिलाओं की, जो भी गांव के लेवल पे इंस्टीट्यूट हैं, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर नौकरी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ के बच्चों के लिए, कि हरियाणा के जो बच्चे उनके लिए प्राइवेट जॉब में 75% सीट रिजर्व कर दी है, कि पहले उनको नौकरी मिलेगी, वैसे ही कौन सा राज्य जिसने महिलाओं के लिए विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूट में 50% सीट रिजर्व कर दी है? आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मेघालय विल बी द करेक्ट आंसर। कोनार्ड संगमा, सी संगमा, जो मेघालय के सीएम है, इन्होंने ये इंफॉर्म किया कि पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स जो है अप्रूव हो चुकी है, इसके तहत 50% सीट रिजर्व कर दी जाएगी महिलाओं के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय के गवर्नर का नाम और कैपिटल का नाम बताओ। मेघालय के सी संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, यहाँ के गवर्नर का नाम बताइए और यहाँ की कैपिटल का नाम बताइए। शिलोंग कैपिटल, वेरी गुड। गवर्नर कौन है मेघालय के? गवर्नर कौन है? कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने गवर्नर पे सेशन लिया है। तथागत रॉय, एग्जैक्टली, तथागत रॉय यहाँ के गवर्नर है। आंसर दिया है किसने? बानी ने आंसर दिया है, और नेपाल ने आंसर दिया है, सौरभ ने आंसर दिया है, रीनू ने आंसर दिया है, प्रतीक ने, चलो वेरी गुड। तथागत रॉय यहाँ के गवर्नर है, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। रेसलिंग लीजेंड जेम्स हैरिस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70 ऑन 9 अगस्त, ही वॉज पॉपुलरली नोन बाय विच नेम? कुश्ती के दिग्गज WWE में बहुत फेमस थे, इनका आपको बताना है कौन से नाम से ये लोकप्रिय थे। अगर हम आप में से किसी का आंसर ना देख पाए तो आप लोग एकदम नाराज मत हो जाया करिए, कमेंट ऊपर जाता है तो हम कई बार नहीं देख पाते कि किसने पहले दिया या किसने किसने दिया, तो आप लोग एकदम दिल पे मत ले लिया करिए, समझा करिए मेरी सिचुएशन को, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है ना, केवल कमेंट नहीं देखना है। एग्जैक्टली, कमला नाम से वो फेमस थे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जेम्स हैरिस WWE के बहुत अच्छे फाइटर थे, 70 साल की एज में इनका निधन हो गया, कमला नाम से फेमस थे, बस इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक कोरोना कविकल। कोरोना कविकल नाम की किताब किसने लिखी, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद के जो एग्जाम होंगे उसमें कोरोना से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। ओके, कोरोना कविकल नाम है इसका। भाई एक ऐसे गवर्नर है जिन्होंने पहली बार कोई किताब नहीं लिखी है, ठीक है। ये किताब बहुत लिखते हैं और अच्छा लगता है जब इस ऐसी पोस्ट पे कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, कोई लायक आदमी होता है। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो कि गवर्नर है मिजोरम के, इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविकल। इन्होंने पहली किताब अपनी पब्लिश की थी 1986 में, 105 किताबें गवर्नर बनने से पहले, और अभी तक इनकी टोटल 121 किताबें अलग अलग कैटेगरी में और पोएट्री जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। तो मिजोरम के गवर्नर का नाम क्या है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, जोराम ठांगा, जोराम ठांगा। अगर मिजोरम की कैपिटल की बात करें तो ऐजवाल यहाँ की कैपिटल है। देखो जोराम फूड पार्क, जोराम मेगा फूड पार्क जो है मिजोरम में ओपन हुआ है, इसके ही साथ थेंजवाल गल्फ रिजॉर्ट जो है वो भी आपका मिजोरम में ओपन हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। हसन दियाब अनाउंस हिज कैबिनेट रेजिग्नेशन, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हसन दियाब जो प्रधानमंत्री थे किसी देश के, उन्होंने बोला कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो कौन से देश के पीएम थे बताइए। बीरूत जो कि कैपिटल है लेबनन की, वहां पे जो एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब अपना अनाउंस किए रिजिग्नेशन। ये लेबनन के प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, बीरूत वहां की कैपिटल है जहां पे एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये रिजिग्नेशन दे रहे हैं। लेबनन कहां पर है, तो पश्चिम एशिया का एक देश है, ठीक है। पश्चिम एशिया में यहाँ पे जो जो दिख रहा है सब मैं बता देती हूँ, ये जो ग्रे कलर में है ना वही आपका पश्चिम एशिया में आएगा, ये तो इजिप्ट है, ये अफ्रीका में आएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, ये यमन देश है, ये ओमान देश है, ये सऊदी अरब है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये आपका कतर देश है, और उसके ऊपर जो है ये बहराइन देश है, ठीक है। ये ईरान देश है, ये आपका कौन सा देश है, तो ये इराक है, ईरान के जस्ट ऊपर इराक है। ऊपर जाओगे तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन के ऊपर ये आपका इजराइल है। येलो कलर में जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपका लेबनन देश है। लेबनन किसके ऊपर है, तो सीरिया के ऊपर है। सीरिया के ऊपर क्या है, तो टर्की है, ठीक है। तो ये आप इतने देश याद रखिएगा। और हम लोग बात करें लेबनन की, जो यहाँ पे येलो कलर में है, जहां के पीएम ने यहाँ पर क्या किया है, रिजाइन कर दिया है। विच स्टेट इज सेट टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम आफ्टर द लेट महाराजा यादवेंद्र सिंह। वहां के स्वर्गीय राजा यादवेंद्र सिंह के नाम पे कौन से राज्य ने अपने एक नए स्टेडियम का नाम रखने का फैसला लिया है। एग्जैक्टली, पंजाब विल बी द करेक्ट आंसर। पंजाब में नया स्टेडियम बना है जिसका नाम यहाँ पे वहां के राजा यादवेंद्र जी के नाम पे लिखा किया जा रहा है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड थे। इन्होंने इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 1934 में, कैन यू इमेजिन। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने स्टेडियम जो कि मुल्लानपुर में है चंडीगढ़ में, उसका नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम रखने का फैसला लिया है। महाराजा यादवेंद्र सिंह फादर थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के, और नौवे और आखिरी महाराजा थे पटियाला के। वाल्टर रोजर मार्टस र्यूज हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। वाल्टर रोजर मार्टस र्यूज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। एग्जैक्टली, अभी हमने आज ही आपको अभी रिवाइज भी कराया, पेरू के नए जो प्राइम मिनिस्टर है वो है वाल्टर रोजर मार्टस रुइस। तो यहाँ पे आंसर होगा पेरू, ये वहां के पहले डिफेंस में रह चुके हैं, ठीक है, और अभी आ गए हैं वहां पे पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो प्रेसिडेंट जो है पेरू के मार्टिन विजैक्रा, इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। ये डिफेंस मिनिस्टर थे पहले,
और आर्मी जनरल भी थे, और अब ये कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने पेड्रो एल्वेरो कैटरिनो वैलिडियो का जगह लिया है। इतने गंदे नाम है, पेड्रो याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है, मार्टिन ने वाल्टर को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया और वाल्टर ने किसे रिप्लेस किया, पेड्रो को, ये आपको याद रखना है। पेरू की कैपिटल है लीमा, पेरूवियन सोल यहाँ की करेंसी है। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है। अब साउथ अमेरिका के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर है बहुत ध्यान से देखना, कोई कमेंट में मत लगे रहना, ठीक है, कि हाँ हाँ ये शुरू हो जाओ, बहुत ध्यान से देखना। मैं साउथ अमेरिका के कुछ देश आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले साउथ अमेरिका में ये है ब्राजील देश। कौन सा देश है ये, ब्राजील। बड़े बड़े पहले बता दूं, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये है। चिली देश, देखो मिर्चे की तरह है ना इसका शेप, ये जो लाइन से मैं कलर कर रही हूँ रेड कलर में, ये कौन सा देश है, तो ये है चिली देश। और चिली के जस्ट ऊपर ये कौन सा देश है, तो ये है पेरू देश, जहाँ के नए पीएम चुने गए हैं मिस्टर वाल्टर मार्टस। तो ये क्या है देश, ये आपका पेरू देश है, ठीक है, याद रहेगा। ये कौन सा देश है, ये आपका पेरू देश है। पेरू के नीचे ये कौन सा देश है, ये बोलीविया देश है। नाम सुन रहे हैं, बोलीविया देश है। पेरू के ऊपर कौन सा देश है, इकाडोर, इकाडोर इसका नाम है, इकाडोर देश सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, बोलीविया के नीचे पराग्वे, उरुग्वे, ये दो जो सेम नाम आते हैं ना, पराग्वे यहाँ पर है और उरुग्वे यहाँ पर है, याद रखना। अभी मैंने आपसे कहा था कि सूरीनाम के नए चुने गए हैं चांद संतों की प्रेसिडेंट। सूरीनाम कहाँ पर है, तो ये जो देश है ये सूरीनाम है, ठीक है, ये गुएना है, ये सूरीनाम है, और एक तरफ इसकी वेनेजुएला देश है। तो ये कुछ मेन मेन कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, जो आई होप कि आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आगे के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, ये कौन सा देश है, कोलंबिया देश है, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंस MOU, MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट भी होता है, विद विच IIT फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अपने यहाँ के जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन है उसके लिए बिहार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस IIT के साथ समझौते ज्ञापन के हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में राज्य के नाम आ गए हैं, तो पहले तो मैं इसे हटाऊं और आपको सही ऑप्शंस दूं, तो बताओ IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रोपड़ या फिर IIT मंडी, बताओ। अब आंसर करो आप लोग, एग्जैक्टली IIT दिल्ली के साथ इन्होंने समझौता किया है। IIT बॉम्बे के साथ दिल्ली ने समझौता किया है, किस लिए, तो स्मोक टावर बनाने के लिए। और IIT दिल्ली के साथ बिहार ने समझौता किया है, किस लिए किया है, तो इन्होंने किया है अपने यहाँ के वायु गुणवत्ता प्रबंधन को अच्छा बनाने के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, राज्य अलग अलग है, IIT अलग अलग है। तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, ताकि वहां की एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को अच्छा बनाया जा सके, 10 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा, जिसमें एक्सपर्टाइज अपनी विशेषज्ञता शेयर करेगा IIT दिल्ली BSPCB के साथ। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने अपॉइंट, बताइए कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, हर्ष कुमार भानवाला विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। समझिएगा, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंस करती है, पैसे देती है, जिसका नाम है कैपिटल इंडिया। इसने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है, जो नाबार्ड के पहले चीफ थे हर्ष कुमार भानवाला, इन्हें MD और CEO यहाँ के विनीत सक्सेना है, मैनेजिंग डायरेक्टर है केशव पोरवाल, हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके नए चीफ कौन बन गए हैं, हर्ष कुमार भानवाला। Which IIT has developed UV Safe in collaboration with Momentum India Private Limited? UV Safe नाम का एक डिवाइस Momentum India Private Limited के साथ मिलके किसने डेवलप किया है? बताइए।
रोपर, एग्जैक्टली पंजाब में है आईआईटी रोपर, जिसने ये यूवी सेफ नाम का डिवाइस विकसित किया है। जैसे शुद्ध है, अभी तो आपने पढ़ा, जैसे शुद्ध है, शुद्ध को किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। और जैसे आपका एक और डिवाइस जो आपका आया था, जो अभी नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, अतुल्य, जैसे अतुल्य है, वैसे ही आपका यूवी सेफ भी है। इन लोगों का सेम काम है। ये भी अगर आप कहीं पे रख दोगे तो इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणों से आसपास का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। तो ये किसने डिवाइस विकसित किया, ये क्या है? आईआईटी रोपड़ ने। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब के आईआईटी रोपड़ ने इसे विकसित किया है। amazon.com has launched its online pharmacy in which Indian city? बिल्कुल, आईआईटी कानपुर ने किया है कि आईआईटी खड़गपुर ने किया है? किसने किया है? खुशी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, किसने इसे डेवलप किया है? नहीं भाई, उसका आंसर सही है, कानपुर ने किया है। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, अमेजोन ने किस भारतीय शहर में अपना ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट किया? तो आंसर होगा कर्नाटका के कैपिटल बेंगलुरु में स्टार्ट किया। बेंगलुरु में ही फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया है, फ्लिपकार्ट क्विक, फ्लिपकार्ट क्विक, जहां पे 90 मिनट के अंदर वो डिलीवरी देगा बेंगलुरु शहर के लिए, अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो। तो अमेजोन ने बेंगलुरु में अपना ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट किया। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ बड़ी दवाइयां जो आपको नॉर्मली नहीं दी जाती, और कुछ छोटी मोटी दवाइयां जो आपको नॉर्मली दी जा सकती हैं, उसकी डिलीवरी अमेजोन शहर में करेगा ऑनलाइन फार्मेसी के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट हैज लॉन्च द फिट इंडिया फ्रीडम रन इवेंट, हु इज स्पोर्ट मिनिस्टर? वेरी गुड सौरभ। खड़गपुर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टेक्निक बनाया है गीले कपड़ों से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कानपुर ने बीज डेवलप किया, खड़गपुर ने गीले कपड़े से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की, आईआईटी रोपड़ ने यूवी सेफ डेवलप किया, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध डेवलप किया। ये सब आप लोग लाइन से याद रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में स्मोक टावर बनाएगा, आईआईटी दिल्ली बिहार में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को संभालेगा। बहुत अच्छे। किरण रिजिजू इस समय स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पीयूष गोयल कौन है? रेलवे मंत्री हैं। हर्षवर्धन सिंह कौन है? फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू स्पोर्ट मिनिस्टर है। रामेश्वर तेली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसकी यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर है। भटिंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनकी। ये है किरण रिजिजू, लॉन्च किया इन्होंने फ्रीडम रन इवेंट, जहां पे 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक आप जहां भी हो, आपके अपनी हेल्थ में इनहेंसमेंट लाने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए डेली दौड़ना चाहिए, वो इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है COVID-19 पैंडेमिक में हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल, यहाँ पे सबका आंसर सही है। देखो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, जो फैंटेसी स्पोर्ट नाम के एक नया ऐप आया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। MS धोनी जो है मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, मास्टर कार्ड के। सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल के हैं, गार्गो इंटरनेशनल एक लुब्रिकेंट कंपनी है। हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ई बाइक गो अमृतसर की एक ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी है, जिसने हरभजन सिंह को 1 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क। किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई?
बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी और रैना रिटायर हो गए, हम लोग एकदम स्टार्टिंग में इसे डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एग्जैक्ट 8 बजे आ जाया करो बेटा क्लास में। हम लोग ने शुरू में कई सारी चीजें डिस्कस की, वो कई लोगों का छूट गया होगा। तमिलनाडु ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम की पिक्चर आप इस समय देख रहे हैं, इडापड़ी पालनस्वामी। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है, जो कोविड-19 पॉजिटिव निकले थे। और यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। क्या है कैपिटल यहाँ की? चेन्नई। ये प्लान कर रहे हैं 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क बनाने की, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ये आंसर आएगा। इंडिया साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन स्पेस कॉपरेशन, अंतरिक्ष में सहयोग के लिए किस देश के साथ भारत समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर कर रहा है? आंसर यहाँ पे होगा आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर रहा है स्पेस में पीसफुल कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। तो नाइजीरिया की तरफ से वहां के मिनिस्टर ऑफ साइंस ने, और इंडिया की तरफ से जो हमारे हाई कमिश्नर है नाइजीरिया के लिए अभय ठाकुर, इन दोनों ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साइन किया है, ठीक है। एक कॉपी इनके पास, एक कॉपी उनके पास, साइन उन्होंने किया है ऑनलाइन से, ठीक है। नाइजीरिया देश भी अफ्रीका का एक देश है, और वो कहाँ पर है? तो चलो भाई कलर कर देते हैं येलो कलर में। येलो कलर में जो हम देश हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका नाइजीरिया देश है, ठीक है। कौन सा देश है तो याद रखिएगा, नाइजीरिया। आज हम लोगों ने अफ्रीका के कई देश पढ़े, इजिप्ट देखा, देख लो एक बार रिवाइज करा देते हैं, ये क्या है? ये इजिप्ट है। ट्यूनिशिया देखा हम लोगों ने, अल्जीरिया भी देखा है ना। अल्जीरिया के बाद हम लोगों ने और क्या देखा? ये देश देखा, ये कौन सा देश है? मॉरिशियाना, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियाना, ठीक है। माली भी हम लोगों ने पढ़ा था, और हेमेथ बेकुयोगो का नाम कई बार लिया था, आइवरी कोस्ट के नए जो प्रेसिडेंट है, गैबन की नई प्राइम मिनिस्टर, सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर, ये सोमालिया है। इन सारे देशों का नाम आज हम लोगों ने लिया है कहीं ना कहीं अपने सेशन में। तो आप यहाँ पे अगर नाइजीरिया की बात करेंगे कि नाइजीरिया कहाँ पर है, तो ये जो देश है ये आपका नाइजीरिया है, ये जो देश है ये क्या है? नाइजीरिया है। इसके जस्ट ऊपर नाइजर है, कंफ्यूज मत होना। जस्ट ऊपर जो देश है उसका नाम है नाइजर, और नीचे जो देश है उसका नाम है नाइजीरिया। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। मोहम्मद बुहारी, ठीक है, मोहम्मद बुहारी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। अबूजा यहाँ के कैपिटल है। नाइजीरियन नायरा यहाँ की करेंसी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? हाउसिंग फाइनेंस जो घर बनाने के लिए पैसे देती है, लोन देती है, इंडिया बुल्स कंपनी, इसने अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? वेरी गुड खुशी, कैमरून उसके नीचे है, बहुत अच्छे। ऐसा समुद्रा आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नवीन ताहिल, यानी रिवाइज करो फिर से, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO। शशिधर जगदीशन नए MD कहाँ के? HDFC बैंक के, आदित्य पुरी को रिप्लेस करके। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए चीफ। सोमा मंडल, ठीक है, सेल की नई चेयरपर्सन। SS मुंद्रा, तो वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 5। ये है SS मुंद्रा, जो RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं 2014 से 2017 तक। सुभाष शिवरतन मुद्रा इनका पूरा नाम है, और अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके? इंडिया बुल्स के। इंडिया बुल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम। एक ऐसी कंपनी है, देखो जहां पे फाइनेंस लिमिटेड आ जाए, फाइनेंस का मतलब होता है मैं आपको फाइनेंस कर रही हूँ, मतलब मैं आपको कुछ करने के लिए पैसा दे रही हूँ, वापस भी लूंगी। तो फाइनेंस लिमिटेड मतलब ये एक कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस मतलब घर बनाने के लिए लोन बेसिकली ये देती है। विच बैंक हैज वर्चुअली लॉन्च सौर्य KGC कार्ड, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्ड फॉर इंडियन आर्म फोर्स, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए? सौर्य KGC किसान गोल्ड कार्ड पहले प्रकार का किसने लॉन्च किया है?
वेरी गुड, एचडीएफसी विल बी द करेक्ट आंसर। एचडीएफसी ने सॉरी किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है, जो किसान जो आर्मी है, आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं या एयरफोर्स के लोग हैं, मतलब सेना के तीनों विंग के जो जवान हैं और जो उनकी फैमिली वाले हैं, उनके लिए स्पेशली ये कार्ड है जिसका नाम है शौर्य किसान गोल्ड कार्ड, जहां पे हमारे ट्रिकलर को दिखाया गया है इनके कार्ड में। एचडीएफसी ने इसे लॉन्च किया है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी के नए जो आपके एमडी और सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है दीपक एस पारे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच लैंग्वेज वॉज ड्रॉप फ्रॉम लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, विदेशी भाषाओं के उदाहरण की सूची से किस भाषा को हटा दिया गया है? आंसर यहाँ पे नहीं करना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन कमेंट में जाके आपको आंसर करना है। कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था नेहा पटेल ने, अर्जित दत्ता ने, एकता बजाज ने, रेणु गुप्ता ने, अश्विनी ने भी आंसर किया था और बानी ने भी आंसर किया था। क्वेश्चन था वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एंड जियोलॉजी कहाँ पर है? आंसर था इसका देहरादून। देहरादून कैपिटल है, विंटर्स कैपिटल है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है भाई? गैरसैंण, ठीक है, याद रखना। तो और उत्तराखंड में पहला स्नो लियोपॉड का कंजर्वेशन सेंटर भी बन रहा है। स्नो लियोपॉड का पहला कंजर्वेशन सेंटर इंडिया में कहाँ बन रहा है? तो वो भी आपका उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर है। तो उत्तराखंड में ये है, इसके फाउंडर है प्रोफेसर एन वाडिया, 1968 में इसे फाउंड किया था, ठीक है। और ये जो अभी मैंने बताया ये सारी चीजें बानी ने और बाकी बच्चों ने भी आगे इसे एक्सप्लेन किया है। हम जरा बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब कहां पर है? तो ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में है। एक ट्रिक है कि राजा जी ने नंदा देवी को फूल देके, फ्लावर देके प्रपोज किया, नंदा देवी ने मना कर दिया, बोला जाओ पहले जिम करके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि कौन कौन से नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। और आई होप कि आप सभी लोग आंसर यहाँ पर करोगे जरूर, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे का। सो आप में से किसी को भी अनअकैडमी का कोर्स चाहिए, जैसे कि कई बच्चों ने खरीदा, उन्होंने ये भी मुझे कहा कि काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब कुछ लोग खरीद तो लिए लेकिन देखते नहीं है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो देखते भी हैं वहां पे लेसन्स, तो काफी इंप्रूवमेंट मिला है। और मैथ्स वगैरह के बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, आप लोग उन्हें भी देख सकते हो। अगर आपको कोर्स खरीदना है आप एक महीने का भी खरीद के देख सकते हो, वैसे तो 1200 का है, ठीक है, लेकिन 10% डिस्काउंट आपको एसपी शुभी कोड यूज करने से मिल जाएगा, 1080 में आपको एक जो कोर्स है मिल जाएगा। तो आपको कोई भी अगर कोर्स खरीदना चाहता है, आपको 10% चाहिए डिस्काउंट, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी कोर्स खरीदना है, एसपी शुभी कोड आप यूज कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, जय हिंद।